गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल हिमाचली ब्लॉगर आत्विक मोम। कैसे हो आप सभी? और ये देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि 10, 10:30, 11 बजे का टाइम हो रहा हो, पर अभी 8:30 हो रहे हैं। और ये रहा हमारा किचन गार्डन। गार्डन में हमने लगाए थे बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, बीन्स। तो बीन्स की तो हमने बहुत सारी सब्ज़ी खा ली और बीन्स हमारी अब ख़त्म हो चुकी है। बैंगन भी बहुत लगे थे हमारे किचन गार्डन में, वो भी उसकी सब्ज़ी भी हमने बहुत ज़्यादा खाई। और ये रही भिंडी, तो भिंडी भी लगी हुई है हमारे किचन गार्डन में। और आजकल तो हमारी सब्ज़ी किचन गार्डन से ही निकल रही है, तो बहुत फ़ायदा होता है किचन गार्डन का। सबको लगाना चाहिए किचन गार्डन, हर घर में किचन गार्डन होना चाहिए। और ये रहा हमारे आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से, आप ही देख लीजिए। ये है सीरा, आज हम बनाने जा रहे हैं सीरा। तो सीरा बनाने के लिए सीरे को पहले भिगोया जाता है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बस इतना पानी डालेंगे हम सीरे में और इसको 15-20 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से भीग जाए। सीरा हमारा भीग चुका है और अब मैं इसमें साथ में डाल दूंगी चीनी। चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सीरा बनाने के लिए कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है और इसमें हमने डाला है देसी घी। और घी हमारा गर्म हो रहा है, सीरा बनाने के लिए घी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो बहुत टेस्टी बनता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे सीरा और अब हम इसको चलाएंगे करछी से। करछी हम लगातार चलाएंगे सीरे पे। जब तक ये पक ना जाए, अभी धीरे धीरे पकेगा, ये देखते रहिए आप। कुछ इस तरह से करछी हमें लगातार चलाते रहना है। सीरा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है बताना ज़रूर। तो कुछ इस तरह से पक के तैयार है, अभी पका नहीं है, अभी पकेगा ये अच्छे से। करछी हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये पक ना जाए और खिला खिला ना हो जाए, मतलब इसका दाना दाना अलग हो जाता है। दाना दाना तो नहीं बोल सकते, पर ये बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, खिल जाता है, इसे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। करछी हमें लगातार चलाते रहना है इसमें और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। पर अगर स्टार्टिंग में जब हम पानी अगर सीरे में पानी ज़्यादा हो जाए तो ये इस तरह का नहीं बनता है, तो मतलब ये खिलता नहीं है, तो इसीलिए पानी थोड़ा कम क्वांटिटी में डाला जाता है सीरे में स्टार्टिंग में भिगोने के लिए, तो ही इस तरह का बनता है सीरा हमारा। तो आज हम मॉर्निंग में चाय और सीरे का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सीरा बनके तैयार हो रहा है।
तो फाइनली हमारा सीरा बनके तैयार हो चुका है। आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ सीरा। और ये देखिए कुछ इस तरह से बना है हमारा सीरा। किस किस को पसंद है बताना ज़रूर। और ये देखिए मैं ये स्वेटर बना रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ इस तरह से। तो एक पल्ला मैंने बना लिया है और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है पर बहुत सुंदर सा भी है। और दूसरा पल्ला ये है तो बताना ज़रूर कैसा है। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली, बरसात के दिनों में हर तरफ हरा हरा दिखाई देता है। और ये सामने रही लकड़ी, ये चूल्हा जलाने में काम आती है, चूल्हे में जलाने के लिए काम आती है। और साथ में ये देखिए गुलाब के फूल कुछ इस तरह से। और ये रहा आद्विक। इस वक्त अभी शाम के हो रहे हैं 7:15 और मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने घर के आंगन में और मॉस्किटो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये देखिए। तो पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह से और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये हमारा घर और ये रहे हम और ये रही और यहाँ पे हो रही है शाम की वॉक। और ये देखो मम्मी आ रहे हैं गाय के पास से दूध लेके। और ये देखिए आद्विक क्या कर रहा है। चलिए वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।